What's up guys, welcome back to another reaction video. Yo-Yo Honey Singh का नया गाना आ चुका है जिसका टाइटल है सोल. तो इस पे हम लेट हो गए हैं रिएक्ट करने में, कोई दिक्कत नहीं है, देर आए दुरुस्त आए. और आपको कैसा लगा ये भी बताना, पहले हम सुन लेते हैं. चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक. 1 2 3 गो. सोल, सोल का मतलब पता है? फॉर ऑल द इंडिपेंडेंट वुमेन. हेलो, एम आई सिलेक्टेड? मिया शर्मा. कोई ऑडिशन दिया था क्या? सॉरी यू आर नॉट सेलेक्टेड. अच्छा उसके लिए मूवी ऑडिशन दिया होगा, कास्टिंग के लिए. एक मिनट. हेलो. हेलो हनी, आई फेल्ड अगेन. आई डोंट थिंक आई कैन डू दिस एनी मोर. मुझसे नहीं हो रहा. अरे क्या नहीं हो रहा यार, तुझसे जब मैं कर सकता हूँ तो तू भी कर सकती है यार. मैं तुझे बताऊंगा कैसे करना है और तू खुद करेगी. तैयार और फट्टे चक लाड़ा में तेरे हमेशा. कहानी मैं सुनानी, करनू छड़ के आई गल होगी पुरानी. हूं तू मूव ऑन कर बेबी, ग्रूव ऑन कर. जद भी सवाल को पूछे तू देंदी रॉन्ग आंसर. पटारी सुपने दी तू खोल खोल, चाहिदा की तेनू तू मैनू बोल. पटारी सुपने दी तू खोल खोल, चाहिदा की तेनू तू मैनू बोल. तोड़ लेके आवा चन तेरे लिए. I know you feel my love. कहदे कहदे नहीं. तेरी सोल है मेरी, सोल है मेरी, सोल है मेरी, मेरे कोल है तेरी. तेरी सोल है मेरी, सोल है मेरी, सोल है मेरी, मेरे कोल है तेरी. फिर खातों है तू डर दी. Why you scared?
अच्छा लगा मुझे, और जिस तरीके से दिखाया ना कि ऑल द इंडिपेंडेंट वुमेन्स, भाई देखो क्या होता है, सबके साथ होता है। एग्जांपल, अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो या हस्बैंड वाइफ भी हो, तो या आप अपने पेरेंट्स के साथ भी रहते हो, ये हर सिचुएशन में आप इसको रिलेट कर सकते हो कि कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि यार हम अकेले हैं, चाहे आप दूसरी सिटी में हो, दूसरी कंट्री में हो, कई बार बंदा सोचता है यार मैं तो अकेला सा पड़ गया, लेकिन उस टाइम पे आपको ये फील करना है सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट किसी के होने से ऐसा नहीं होता कि आपके वो साथ है। कई बार क्या होता है, आपको माइंड, आपको वाइब्स आनी चाहिए, आपको पॉजिटिव फील करना है कि वो बंदा है मेरे साथ। साथ हमेशा निभाने का मतलब ये नहीं होता कि फिजिकली वो बंदा प्रेजेंट हो या बंदी प्रेजेंट हो, फिजिकली नो डाउट फर्क पड़ता है, लेकिन जब बंदा अगर कहीं और भी है, लेकिन आप उनकी बात तो रिलेट कर सकते हो जो वो आपके बारे में सोचते हैं, आपको पता है कि यार है हमारे साथ कोई ना कोई, और प्रूव करना है। और देखो, फेलियर मिलते हैं, बार बार मिलते हैं, उसके बाद ही सक्सेस मिलता है, क्योंकि फेलियर्स कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ सिखाते हैं कि क्या कमियां रह गई या और क्या बेटर कर रहा है। बस मुझे अच्छा लगा कि निया है इसमें, निया मैंने एक दो वो देखे थे कि बहुत सारे लोग ना निया मतलब उसको थोड़ा उसके लिए ड्रेसिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा वो करते हैं, मतलब ट्रोल या क्रिटिसाइज, तो उसने उसमें बोला था कि क्लियर बताया था कि मुझे क्या क्या सुनना पड़ता है, मतलब करण कुंद्रा वो थे उसमें एक, और जेनेली और रितेश उस शो को वो करते थे, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो उसने बताया था कि मतलब इतना ज़्यादा इस लेवल तक बोल देते हैं लोग, और उसके बाद भी यार बंदी का कॉन्फिडेंस देख अभी भी, और बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। जैसे दो बहनों वाले शो में आई थी, जो उसका फर्स्ट शो था, मुझे नहीं पता उस बारे में, ये क्रिस्टल है ना, क्रिस्टल है वो, उसके साथ इसका फर्स्ट शो आया था। और अगर मैं बात करूं, कीप हसलिंग गाइस, ये चीज़ होती है, लाइफ स्ट्रगल से भरपूर है। आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ, फिर भी ऐसा नहीं कि आप हमेशा खुश रहोगे, आपको कभी कोई चीज़ परेशान करेगी, कभी कोई, कभी आप सोचोगे यार ये चीज़ और सक्सेसफुल करनी है या इस चीज़ में स्ट्रगल हो रहा है, पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन वही वाली बात है, हार के बैठ जाओगे तो जहां पर हो वहां से भी गिर जाओगे, उठने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। देखो यार, व्यूज नहीं आ रहे, फीवर है अभी, फिर भी भाई काम, वही वाली बात है, मेहनत करते रहो। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।